आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले नागपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हाथों से होना चाहिए। 20 साल पहले ये सपना देखा था, पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था, और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे पार्टियों को एकत्रित किया, सारे पत्रकारों को, एडिटर्स को एकत्रित किया, उनके सामने हमने इस संकल्पना को रखा, उनके जितने सवाल थे सवालों का जवाब दिया, और उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, उसके लिए काफी राशि चाहिए थी, कोई बैंक देने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार के कुछ बेटे ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एमएमआरडीए है, एमआईडीसी है, सिडको है, तो हमने उनको कहा कि सारा पैसा बंबई में कमा के बंबई में मत लगाइए, अब ये पैसा विदर्भ मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र को भी लगाइए। हमने उनसे पैसा उधार लिया और सारी जमीन का अधिग्रहण किया। केवल मात्र 9 महीने में 700 किलोमीटर के जमीन का हमने अधिग्रहण किया, एक भी लिटिगेशन नहीं हुई। और मैं ये बताना मेरा फर्ज मानता हूं, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की, क्योंकि उस समय के उनके नेता गांव में जाकर विरोध करते थे। उन्होंने गांव में जाकर सभा ली और कहा एक इंच भी जमीन मत दीजिए, 15 दिन में उस गांव की एक एक इंच जमीन हमको लोगों ने दी, और एकनाथ जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की और हमने पूरा समृद्धि महामार्ग का अधिग्रहण यहां पर किया। और साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया जिसमें हमने हमारी एमएसआरडीसी को 50,000 करोड़ के भूमिया, मुंबई के प्लॉट्स, ये हमने उनको दिए, उनका नेटवर्क बढ़ाया और लैंड सिक्योरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया, सारी बैंकों को बुलाया। सबसे पहले एसबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए हमको दिए और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिए, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी। आज 50,000 करोड़ रुपए का ये महामार्ग तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, आपने जो नया लैंड कि सिक्योरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मोनेटाइजेशन का मॉडल लाया है, मैं दावे से कहता हूं आने वाले 2 साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे। इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है।